हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आपसे पूछना है एक सवाल, आज तारीख कौन सी है। कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे बच्चे मुझे आज बता सकते हैं कि आज तारीख कौन सी है। अब आप सवाल कहेंगे कि हमें तो ये बात पता है कि आज ये तारीख है, पर जो अब बात आपको नहीं पता है वो मैं आज आपको बताने आया हूं। वो ये बात है कि 8 से 6 महीने बाद आपके मेन एग्जामिनेशन के फॉर्म भर रहे होंगे और तब आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या मैंने पिछले 6 महीने में क्या बकवास किया है, क्या ब्लंडर्स मिस्टेक किए हैं, क्यों नहीं पढ़ा है, क्यों रिविजन नहीं किए। मेरे सारे दोस्तों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने 4 बारी 5 बारी रिविजन कर लिया है, पर मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। क्या वो वक्त होता है? मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं, मैंने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, और आज मैं इस मुकाम पे हूं कि जहां पर फॉर्म भरने जा रहे हैं और मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं शॉर्टकट पे शॉर्टकट। 15 दिन में टॉप करें, 12 दिन में टॉप करें, 10 दिन में टॉप करें, आधे घंटे में टॉप करें। कैसा लगा ये ख्वाब? है ना डरावना? बहुत डरावना है, बहुत डरावना है, क्योंकि जिस उम्र में आप हैं, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बोर्ड में 95% नंबर लेकर आने हैं, और या तो उस बोर्ड के साथ साथ नीट में प्रिपरेशन करके बहुत सारे बच्चों को नीट के एग्जाम निकालने हैं। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि अभी से ना पढ़े और एग्जाम से पहले पढ़ के बस हमारे 95% टॉपर्स बन जाएंगे? यकीन मानिएगा कि सिर्फ पहुंचने को और पास होने को सिर्फ पास ही होता है, टॉपर बनने के लिए, विजेता बनने के लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है, पग पग अपने आप को जलाना पड़ता है, पग पग अपने आप को मेहनत की उस भट्टी में झोंकना पड़ता है। जो बच्चा अपने आप को उस भट्टी में झोंकने के लिए तैयार है, बस वही विजेता बनने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ना, ये जो आंधियों में खड़े नजर आ रहे हैं वही हवाओं के विपरीत चले जा रहे हैं, जो खड़ा है वही मौसम के विपरीत चलने का मादा रखता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने का दम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर हवाओं के विपरीत चलने का दम नहीं, तो तुम कभी भी इतिहास नहीं बदल सकते, तुम कभी भी अपना एक वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते। अगर अपना वर्चस्व स्थापित करना है मेरे बच्चे, तो समय से पहले, सबसे पहले शुरुआत करना सबसे बड़ी जरूरत चीज होती है। मानता हूं आप एक ऐसे वक्त में हैं जहां पर आपके पास स्कूल है, आपके पास आपका कोचिंग है, आपके टाइम मैनेज नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाने कही थी, और ये वीडियो आज मैं उसी पे बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं जनरली टाइम टेबल पे वीडियोस बनाता नहीं हूं। मैं बच्चों को, मैं समझता नहीं कि मुझे बताना चाहिए यार कि आप इतने बजे पढ़ो, उतने बजे उठो, फिर भी एक कोशिश करते हैं और एक टारगेट देने की कोशिश करता हूं एक सप्ताह का। अगर सारे बच्चे इस चीज को करने में सफल हुए और आपको इससे करने में फायदा मिलता है, तो मुझे नेक्स्ट वीक तक आप इसी वीडियो के कमेंट पे बताते रहिएगा कि क्या आपको इससे फायदा मिला। तो नेक्स्ट वीक का या फिर नेक्स्ट मंथ का मैं आपको टारगेट देने के लिए हर महीने आपको आपका बड़ा भाई आता रहेगा। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं कुछ कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को यह भी लग रहा होगा, नहीं 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 अभी बहुत वक्त है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके देता हूं। सारी चीजें आज एकदम नपे तुले माध्यम से बोलूंगा, कोई हवा हवाई बात नहीं है, बहुत सीधी सीधी बातें और बहुत सिंपल नजरिए से बोलूंगा। देखो बेटा जी, क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। जुलाई से लेकर मैक्सिमम बच्चों को दिसंबर में सिलेबस खत्म करना होता है। अब ये जो सिलेबस खत्म करना है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कितना महीना है भैया? तो जुलाई से एक हफ्ता तो बीत गया, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने हैं हमारे पास, है ना। अब 6 महीने में अगर मैं हफ्ते की बात करूं, तो हफ्ते में कितने हफ्ते हैं, और ये हफ्ते जो हैं लगभग अगर 6 से डिवाइड कर दूं, एक तो खत्म हो गया है, तो लगभग 23 सप्ताह तुम्हारे पास है। तुम कहोगे अरे वाह, ये तो बहुत सप्ताह है, बहुत ज्यादा वक्त है मेरे पास में। अब इस सप्ताह में करोगे क्या? तुम सुनो, टारगेट क्या है तुम्हारे पास में? अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो टारगेट के नाम पे तुम्हारे पास केमिस्ट्री में मेरे बच्चे 15 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है, कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हुए भी हैं, लगभग 15 चैप्टर फिजिक्स में भी है, और बायोलॉजी में लगभग मान लेते हैं 16 चैप्टर है। कुछ बच्चों को एक आध चैप्टर ऊपर नीचे, नहीं हमारा सिलेबस नहीं है वगैरह वगैरह अगर ना किया जाए, तो मोटा 45 चैप्टर हैं तुम्हारे पास। अब बताओ मुझे, 45 चैप्टर, और तुम 3 महीने से 4 महीने से 12th में हो, तुमने अभी तक इतने सप्ताह गायब कर दिए हैं, इतने सप्ताह में तुम्हारे कितने चैप्टर हुए हैं? 1, 2, 3, 4,
5, इतने भी नहीं हुए होंगे कुल मिला के, और तुम्हारे पास टारगेट है 45 चैप्टर का और सप्ताह है केवल 23, सप्ताह है केवल 23। और अगर इस सप्ताह में भी अगर 2-3 हफ्ते दिवाली दशहरा ये सब हटा दो, फिर तुम्हारे भाई बहन की शादी भी होगी तो दशहरा को भी हटा दे, इसके अलावा रक्षाबंधन को भी हटा दे, क्योंकि यार त्योहार तो तुम मनाओगे, तुम कौन सा यार एकदम मतलब एकदम डेडिकेटेड टाइप वाले बच्चे हो, तुमको तो त्योहार भी मनाना है, तो ये सब भी मनाओगे, तो इसको मतलब काट वाट के कर दूं कि मान लो 20 सप्ताह। अब तुम्हारे पास बचे 20 सप्ताह, चैप्टर अभी भी कम नहीं होंगे, चाहे तुम पूरे समय को आग लगा दो लेकिन ये चैप्टर को तुम आग नहीं लगा सकते, 45 के 45 ही रहेंगे। 20 सप्ताह 45 चैप्टर, हर सप्ताह 2.5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, हर सप्ताह 2.5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वो भी आज की डेट से स्टार्ट करोगे तब। और हर सप्ताह 2.5 चैप्टर पढ़ने का मतलब ये होता है कि हर दिन अपनी जान लगा देना है, हर दिन अपनी, मैं बता रहा हूं बेटा एक टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होते, तुम्हें चैप्टर आसान लग रहा है, एक दिन में एक टॉपिक नहीं होता, अभी पढ़ा रहा था कुछ टॉपिक में, एक टॉपिक पूरे एक दिन 2 घंटे की क्लास में मैंने पढ़ाया, और पूरा चैप्टर पढ़ाना वो भी एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं, और हफ्ते भर में पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसान है अगर स्मार्ट वर्क किया जाए, स्केड्यूल्ड वे में किया जाए, प्री प्लान्ड वे में किया जाए, तो आपके लिए ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो ये 45 चैप्टर 20 सप्ताह में कर सकते हो। दिसंबर के बाद गर्व के साथ घूमोगे, गर्व मतलब लड़का नहीं, गर्व मतलब अपना दिमाग में एकदम बल के साथ घूमोगे कि हाँ यार मैंने ये किया है। अब करेंगे कैसे, मैं जनरली बच्चों को बहुत टाइट स्केड्यूल नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है यार कि तुम्हारे स्कूल भी चल रहे हैं, तुम्हारी कोचिंग वगैरह भी चल रही होगी, सब कुछ करना है, तो सब कुछ करना है, तो मैं तुम्हें मोटा मोटा एक बढ़िया हिसाब बताता हूं कि तुम्हें टाइम टेबल बनाने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कितना पढ़ना है। टाइम टेबल बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम कितना है, 20 सप्ताह 45 चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मेरे बच्चे तुम अपने टाइम को बताओ मुझे कि तुम्हारे टाइम में मैक्सिमम बच्चे तुम्हारे पास है कितने। दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैं 6 घंटे ही दूंगा तुम्हें सोने के लिए, 6 घंटे के लिए ही सोने के लिए दूंगा, तो तुम्हारे पास 24 में से 6 चले गए, 18 घंटे बचे हुए हैं। ये पहला डिसाइड कर लो पूरा, 6 घंटे से ज्यादा अगर तुम सो रहे हो तो इस साल तुम टॉप नहीं करने जा रहे हो, 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, 18 घंटा 8 घंटा सोना 12 घंटा सोना सब छलावा है मेरे बच्चे, मैं 5 घंटे की नींद में भी बढ़िया फ्रेश रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को देखा 4-4, 5-5 घंटे, एक साल पूरा तुम्हें 6 घंटा सोना है, इससे ज्यादा सोने में इससे ज्यादा नहीं देना है, बटे 18 घंटे, 18 घंटे में तुम मान लो 8 घंटे तुम ट्यूशन स्कूल वगैरह वगैरह को देते हो, किसी को भी देते हो, जो स्कूल नहीं जाता होगा वो कोचिंग जाता होगा, कोचिंग नहीं जाता होगा तो स्कूल जाता होगा, कहीं ना कहीं तो जाता होगा, तो 8 घंटे तुमने इसको दे दिए। अब बचे मेरे पास बच्चे 10 घंटे, अब इस 10 घंटे में तुम्हारे पास फ्री वक्त है और इस 10 घंटे में तुम्हें अपना पूरा माजरा पूरा कर्तव्य दिखाना है, इस 10 घंटे में कर्तव्य दिखाना है। अब ये 10 घंटा तुम्हारा कब से शुरू होगा तुम सोचो, या तो तुम्हारा मन सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लगता है तो तुम सुबह के 4-8 घंटे ढूंढो, और या तो तुम्हें 7 बजे से लेकर 6 बजे से 10 घंटे तक लगता है तो ये 4 घंटे ढूंढो, ठीक है, कोई भी टाइम तुम्हें अपना ढूंढना ही पड़ेगा। अब अगर तुम्हारी स्कूल सुबह सुबह है तो कोई भी 2 घंटा तुम्हारा ऊपर नीचे होता है, पर हर बच्चे के पास ये 2 वक्त जरूर होते हैं, सुबह का 4 से लेकर 8 बजे तक का वक्त और 6 से लेकर 10 बजे तक वक्त, तो इसलिए मैं तुम्हें घंटे डिसाइड करवाऊंगा नहीं, क्योंकि सबकी स्कूल की टाइमिंग अलग अलग रहती है, पर मैं तुम्हें एक सप्ताह का टारगेट दे रहा हूं, सारे बच्चे इस टारगेट पे लग जाओ और मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले मेरे बच्चे पूरे टाइम की शुरुआत करने से पहले मान लो तुम मंडे से स्टार्ट करोगे, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे जो है हमारे पास, तो ये रहेगा ही रहेगा। कभी भी छुट्टियों का इस्तेमाल हमेशा अपने रिवीजन को करना चाहिए। मंडे में तुम्हारे पास 4 स्लॉट बांटता हूं बेटा, 2 घंटे का एक स्लॉट ये होगा, 2 घंटे का एक स्लॉट ये होगा, 2 घंटे का एक स्लॉट ये होगा और 2 घंटे का एक स्लॉट कोई भी होगा। तुम्हें दिन में अपने 2-2 घंटे के 4 स्लॉट निकालने हैं, चाहे वो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से जितने भी बजे तुम्हें मिलता है टाइम,
दोपहर में टाइम मिलता है तो दोपहर में, शाम को टाइम मिलता है तो शाम में, रात को टाइम मिलता है तो राम में, रात में तुम अपने दिन के 4 स्लॉट निकाल लो। 2 घंटे पढ़ना, 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ना, ऐसा कर लो किसी भी टाइम में, चाहे सुबह चाहे शाम, लेकिन ये 8 घंटे का स्लॉट अपने सामने रख लो। मान लो तुम्हें मंडे के 2 घंटे के स्लॉट में, सबसे सुबह वाला स्लॉट है, इसमें तुम 2 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे। इस 2 घंटे में तुम फिजिक्स पढ़ोगे, और फिजिक्स सिर्फ पढ़ोगे नहीं, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ोगे और उस टॉपिक को पढ़ते जाना। दूसरे दिन यहां पर उसी दिन तुम अगले 2 घंटे के स्लॉट में केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, 2 घंटे के स्लॉट में तुम केमिस्ट्री पढ़ लिए, और शुरू के दूसरे दिन, अब बाकी दिन जो है यहां पर सिर्फ तुम उसका रिवीजन करोगे मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। बाकी शाम के समय पे तुम उसका रिवीजन करोगे जो तुम पढ़ रहे हो। आज बायोलॉजी पढ़ने का वक्त नहीं है, पक्की बात, ठीक। जो भी फिजिक्स तुमने आज ट्यूशन में पढ़ी, जो भी तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया, 4 घंटे तुम रिवीजन करने को दोगे, क्योंकि शुरू का वक्त है, तुम्हारे टीचर्स ने बहुत कुछ पढ़ा दिया है और तुमने उसको रिवाइज नहीं किया है। तो सबसे पहले तुम अभी अपना पूरा वक्त ज्यादा पढ़ने में नहीं, रिवीजन में लगाओ, कि जो टीचर तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा रिवीजन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो ये 2 शाम के 4 घंटे या सुबह के 4 घंटे, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा मर्जी है, पर रिवीजन 4 घंटे तुम शुरू में मंडे करोगे, ये पक्का बात है। ट्यूसडे आते हैं, ट्यूसडे तुम्हारा पहला स्लॉट होना चाहिए बायोलॉजी को लेकर, और दूसरा स्लॉट थोड़ा सा कम सस्ता सा होता है तो केमिस्ट्री ले लेना बायो के साथ। ये पहला चैप्टर पढ़ना और ये पहले का 1.1, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना अब इसमें। इसके बाद फिर वही बात, बायो रिवीजन करोगे और केमिस्ट्री रिवीजन करोगे। इसमें रिवीजन पे ज्यादा, पहला हफ्ता मैं पूरा बच्चों को रिवीजन पे दे रहा हूं। दूसरे दिन वेंसडे जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले फिजिक्स का तुम रिवीजन करोगे। वेंसडे जब पहला स्लॉट उठाओगे तो तुम फिजिक्स का सबसे पहले रिवीजन करोगे, ये बात याद रखना। और फिर जब रिवीजन हो जाए और लगे कि मुझे याद है तो दूसरे स्लॉट में फिजिक्स को पढ़ डालना, कि चलो यार अब तो याद हो गया है, अब पढ़ लेते हैं। फिर वही काम करना यहां पर केमिस्ट्री के साथ, और केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ फिर जब केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाए, जब केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाए तो फिर यहां पर केमिस्ट्री को पढ़ लेना, यह तुम्हारी बात हो जाएगी। अब अभी तक तुमने केमिस्ट्री को 3 बार, फिजिक्स को 3 बार, लेकिन बायो को 1 ही बार पढ़ा है, तो थर्सडे तुम्हें क्या करना है, पहले बायो को पढ़ना है, फिर रिवीजन करनी है, फिर बायो को पढ़ना है और फिर रिवीजन करनी है। बायो रिवीजन करने के बाद से लेकर आ जाएगा, यह तुम्हारा थर्सडे का टाइम हो जाएगा। जैसा कह रहा हूं वैसे ही करना, मैं दावे से कह रहा हूं कि पहले पढ़ाना फिर रिवीजन करना और रिवीजन करके फिर पढ़ना बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज करते हैं और करने के बाद वो चीज हो जाती है तो फिर हमें अगले दिन अगर लगे ना, अच्छा अच्छा ये तो याद हो गया मुझे, वाह यार क्या बात है, मैं तो कर सकता हूं, आई एम नॉट लूजर, मैं लूजर उजर नहीं हूं, मैं कोई लूजर नहीं हूं, मैं कोई बेवकूफ नहीं, मैंने पढ़ा मुझे याद हो गया। और ये 2-2 घंटे के स्लॉट में तुम्हें पढ़ना जरूरी है। फिर पहुंचना फ्राइडे को, तो फ्राइडे को तुम एक दिन क्या करना कि फ्राइडे जो तुम्हारा स्लॉट होगा, सुबह सुबह उठना, केमिस्ट्री को पढ़ना। डेली एक ही सब्जेक्ट एक ही टाइम पे पढ़ने से बोरियत आ जाती है, दिमाग छाता नहीं है, बदल बदल के पढ़ो सारी चीजें, केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना फिर इसका रिवीजन करना। और शुरू में मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस कराता हूं, बाद में रिवीजन का टाइम कम कर देंगे, लेकिन शुरू में रिवीजन करो, फिर केमिस्ट्री के साथ यहां पर फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स के साथ जो है यहां पर रिवीजन कर लेना, यहां पर फिजिक्स के साथ फिर रिवीजन कर लेना, ये पॉइंट हो गया। केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ पढ़ने के लिए मैं अभी शुरू शुरू में इसलिए प्रेरित कर रहा हूं, मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, दोनों कठिन हैं, थोड़ा एक ही दिन में थोड़ा कम 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 पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अब बचे हुए 2 दिन बेटा, अब बचे हुए आखिरी के दिन सुबह उठोगे, बायो पढ़ना और उसके बाद बाकी सभी चीजों का रिवीजन करना, फिर नीचे आना केमिस्ट्री पढ़ना और सारी चीजों का रिवीजन करना, और आखिरी में पढ़ लेना फिजिक्स, और सबसे आखिरी दिन संडे को पूरा रिवीजन करना मेरे बच्चे। और पूरा रिवीजन करने के टाइम को 8 घंटे जब तुम दोगे तो तुम्हारा पहला हफ्ता एकदम शानदार बीतेगा। और इस पहले हफ्ते में शानदार में मैं दावे से कह रहा हूं कि तुम पुराने 1-1, 2-2 चैप्टर जो पढ़े हैं और इस हफ्ते तुम कम से कम 3-4 चैप्टर कवर करोगे, ये लिख के लो मेरी बात,
क्योंकि शुरुआत के पहले चैप्टर जो है ना वो छोटे छोटे होते हैं, आसान आसान होते हैं, और ये तुमको यहां पर आसानी से कवर हो जाएगा। अगर बात मेरी मानते हो तो यहां पर टाइम अपना लिख लो कि तुम्हारे पास कौन सा स्लॉट कितने टाइम खाली है और फॉलो कर दो एक हफ्ते इसको। अगर तुम्हें इसको देखने में प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इसमें ये लग रहा है कि यार मैं पहला चैप्टर ढूंढू कहां से, पहला चैप्टर पाऊं कहां से, तो पहला चैप्टर पाने के लिए आपके पास हमसे बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं है, ये है द ग्रेट विजेता बैच। ये विजेता बैच अभी लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रही है 12 जुलाई से। उससे पहले तुम यूट्यूब में 6 बजे डेली 12th की क्लास में देता हूं, जाकर वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ वहां पर देख लो, और उसके बाद अपने आप को अगले हफ्ते से या फिर 12 तारीख से स्टार्ट करने के लिए सभी हिंदी माध्यम का बेस्ट बैच आ रहा है विजेता बैच। और इसमें आपको डिटेल लेक्चर भी दिया जाएगा, 12th का वन शॉट, टीचर्स की स्लाइड, सुपर 20 पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट, बैकलॉग रिवीजन सीरीज, वीकली इंटरेक्टिव सेशंस, हर चीज मिलेगी जो आपको विजेता बनाएगी। बेस्ट टीचर मिलने जा रहे हैं इस बैच में आपको, ये सारे बेस्ट टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री पार सर केमिस्ट्री जो है विक्रम सर पढ़ाएंगे, पार सर और मैं मिलकर बायोलॉजी, विपिन सर और गोपाल सर मिलकर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और भूमिका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, गणित पढ़ाएंगे दीपक खंडेलवाल सर। और अभी तो एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है कि तुम्हारे लिए अब की बार हमने मानसून ऑफर भी रखा है कि अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, हर एक बैच आपको हाफ प्राइस में मिल रही है, 50% ऑफ। और विजेता बैच की 50% ऑफ जो प्राइस है वो है मेरे बच्चे 3,749 रुपए, और ये सिर्फ 10 जुलाई तक 2023 के लिए है। और 01247158250 पे कॉल करो, और कमेंट सेक्शन पे भी आप हमें बता सकते हो कि आज का आपका ये जो टाइम टेबल है वो आपको कैसा लगा। और आप इसमें अगर भाग लेते हो, पहला टाइम टेबल टफ बनाया 8 घंटे का, क्योंकि अगर कोई बच्चा 8 घंटे नहीं दे सकता ना यार, तो वो नहीं कर सकता, फिर तुम्हारे लिए वो पहला ख्वाब ही है, वो पहला ख्वाब ही है। तुम नहीं ला सकते 95%, तुम्हें 70, 80, 85 में खुश रहो। याद रखना, जब 95% लाने वाला टॉपर तुम्हारे आजू बाजू घूम रहा होगा ना, जलन होती है, और अगर तुम्हें जलन नहीं होती तो माफ करना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर का ईमान मर चुका है, तुम्हारे अंदर की चाहत मर चुकी है। और एक बच्चा जिसके अंदर चाहत मर जाए वो जीवन में कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं हो सकता। जिंदगी में अपने अंदर कहते हैं ना कि अगर अपने अंदर जुनून जिंदा रख, अगर तेरे तरकश में है तीर तो उस तीर का जान जिंदा रख, वही सॉरी जो भी होता है, तरकश में तीर जिंदा रख, और तेरे अंदर है जुनून तो जुनून जिंदा रख। कभी कभी सोचता हूं शायरी पढ़ लिया करो, लेकिन भूल जाता हूं मैं। खैर, पॉइंट यही है कि आपको बेटा जी होमवर्क फॉलो करना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और फॉलो करके देखिए, एकदम जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये चीजें फॉलो करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यह बनाऊंगा कि चीजों को याद कैसे रख सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए चीजों को याद रखने वाली, कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे कि हाँ हमें चाहिए, हमें चीजों को, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को याद कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपको तक पहुंचाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए सजेस्ट करें, क्योंकि आपके दोस्त के बिना आपकी तरक्की अधूरी है। तो मेरे बच्चे 3,799 में विजेता बैच मिल रही है, प्लीज फटाफट आप इस बैच को ले लीजिए और अपनी लाइफ में अच्छे विजेता बनने का गुण प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, बाय बाय।